बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्कॉलर्स एकेडमी। आज हम लोग 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, उसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है, उसका पार्ट 5 जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैंने मुकम्मल तो नहीं लिखा, लेकिन ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं वो 3 मैट्रिसेस हैं स्टूडेंट्स, ए बी एंड सी। तो ये तीनों मैट्रिसेस जो है वो हमें दिए गए हैं, और हमने ये जो है हमने इसको जो रूल्स जो हैं इनको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो चले हम पार्ट 5 जो है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 5 जो है वो हमारे पास, देखिए बेटा आपके पास है जी, ब्रैकेट स्टार्ट सी माइनस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ब्रैकेट स्टार्ट ए माइनस बी एंड ब्रैकेट क्लोज। तो हमने क्या करना है कि इसको साबित करना है कि ये दोनों साइडें जो हैं वो बराबर हैं कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हम उसको ले लेते हैं जो कि हमारे पास है सी माइनस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस ए, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर हम जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले हम जो हमारे पास दो मैट्रिक्स जो हैं वो ब्रैकेट्स वाले हैं, पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो वो हमें क्या दिया गया है, वो हमें दिया गया है जी सी माइनस बी। तो आप ऐसा करें कि सी मैट्रिक्स लें जो कि हमारे पास ये लिखा हुआ है माइनस 1 0 0, ठीक है। उसके बाद 0 माइनस 2 3 1 1 2, ये हमारे पास है जी सी मैट्रिक्स। उसके बाद माइनस की अलामत है, तो आप ऐसे ही माइनस लिखें और उसके बाद आगे बी मैट्रिक्स लिखें जो कि हमारे पास दिया हुआ है जी 1 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3, ये हमारे पास क्या है जी बी मैट्रिक्स है। और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए देखें, सब्ट्रैक्ट करने के मेथड जो है वो स्टूडेंट जो है वो सेम ही है कि हम क्या करेंगे कि जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, सी मैट्रिक्स की पहली रो की पहली एंट्री जो है वो हमारे पास माइनस 1 है, वो हमारे पास क्या है जी माइनस 1, ठीक है। और इसी तरह से बी मैट्रिक्स की पहली रो की पहली एंट्री 1 है, तो हमारे पास क्योंकि माइनस करना है इस वजह से हम क्या लिख देंगे माइनस 1। दूसरी एंट्री जो है वो हमारे पास 0 है, और बी मैट्रिक्स में दूसरी एंट्री जो है वो हमारे पास माइनस है, तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास तीसरी एंट्री है जो कि है 0, और बी मैट्रिक्स में भी तीसरी एंट्री जो है वो प्लस 1 है, तो प्लस माइनस माइनस। उसके बाद दूसरी रो की पहली एंट्री देखें सी मैट्रिक्स में 0, इसी तरह से बी मैट्रिक्स में दूसरी रो की पहली एंट्री देखें तो वो हमारे पास 2 है, तो हमने माइनस करना है, तो इस वजह से माइनस 2। दूसरी एंट्री देखें जी हमारे पास क्या है, माइनस 2 है, और बी मैट्रिक्स में दूसरी एंट्री देखें माइनस 2 है, तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, प्लस में। और इसी तरह से तीसरी एंट्री देखें जी हमारे पास 3 है, और यहाँ पे बी मैट्रिक्स में भी दूसरी रो की तीसरी एंट्री 2 है, तो माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, तीसरी रो की पहली एंट्री 1, और बी मैट्रिक्स में तीसरी रो की पहली एंट्री जो है वो -3, और दूसरी एंट्री जो है वो 1, और बी मैट्रिक्स में भी दूसरी एंट्री जो है वो -1। सी मैट्रिक्स में तीसरी रो की तीसरी एंट्री जो है वो 2 है, और बी मैट्रिक्स में तीसरी रो की तीसरी एंट्री -3 है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखें जी हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा -1 -1, दोनों जमा होंगे लेकिन अलामत जो है वो माइनस की रहेगी जो कि मैथ का रूल है। 0 प्लस 1 1 0 माइनस 1 1 0 माइनस 2 माइनस 2 आ जाएगा, -2 प्लस 2 क्या बचेगा 0, 3 माइनस 2 1 1 माइनस 3 2 1 प्लस का 1 माइनस, हमारे पास क्या बचेगा 0, 2 माइनस 3 हमारे पास बचेगा -1। तो ये हमारे पास क्या निकल आया है, सी माइनस बी निकल आया है, ठीक है। अब रूल में क्या है कि हमारे पास सी माइनस बी जो है इसको हमने प्लस करना है,
ए के अंदर। तो अब ये जो आंसर है इसी को हम क्या कर देंगे, ए मैट्रिक्स में प्लस कर देंगे। ठीक है, तो चलें इस साइड पे आ जाएं, तो हम लिख लेते हैं हमारे पास, चलें देखिए जी, सी माइनस बी ठीक है प्लस ए, और सी माइनस बी का जो आंसर है वो हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास है माइनस टू जो अभी हमने निकाला है, वन माइनस वन, फिर माइनस टू, ज़ीरो, वन माइनस टू, ज़ीरो माइनस वन। ठीक है, और ए मैट्रिक्स जो है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, जो हमने स्टार्ट में लिखा है, जो कि हमारे पास है वन टू थ्री, ठीक है टू थ्री वन, वन माइनस वन, ज़ीरो। तो ये हमारे पास क्या है जी, ए मैट्रिक्स है। तो अब हमने इन दोनों को भी क्या करना है, ऐड करना है। तो चलें देखें जी, हम इनको ऐड करते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो सेम ऐसे ही ये दोनों मैट्रिक्स के जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, जो मुतनाज़रा अरकान हैं, उनको एक दूसरे में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखें सी माइनस बी मैट्रिक्स के अंदर जो पहली रो की पहली एंट्री है वो माइनस टू है, तो ए मैट्रिक्स में पहली एंट्री जो है वो प्लस वन है। और यहाँ पे देखें पहली रो की पहली एंट्री और सॉरी दूसरी एंट्री जो है वो वन है, और ए मैट्रिक्स में दूसरी एंट्री जो है वो प्लस टू है। तो पहली रो की तीसरी एंट्री जो है वो माइनस वन है, तो ए मैट्रिक्स में पहली रो की तीसरी एंट्री प्लस थ्री है। अब दूसरी रो की पहली एंट्री देखें तो वो हमारे पास माइनस टू, और यहाँ पे ए मैट्रिक्स में दूसरी रो की पहली एंट्री देखें तो वो हमारे पास प्लस टू, और दूसरी एंट्री देखें तो ज़ीरो, और ए मैट्रिक्स में दूसरी रो में दूसरी एंट्री देखें तो प्लस थ्री, और यहाँ पे तीसरी एंट्री देखें वन, और ए मैट्रिक्स में दूसरी रो की तीसरी एंट्री देखेंगे तो वो भी वन है। अब सी माइनस बी मैट्रिक्स देखें, तीसरी रो की पहली एंट्री माइनस टू है, और ए मैट्रिक्स में तीसरी रो की पहली एंट्री प्लस वन है, और यहाँ पे दूसरी एंट्री जो है वो ज़ीरो है, और वहाँ पे दूसरी एंट्री जो है वो माइनस वन है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। और तीसरी एंट्री देखें जी माइनस वन, और यहाँ पे तीसरी एंट्री देखें ए मैट्रिक्स में तीसरी रो में वो ज़ीरो आता है। ठीक है, तो अब इस देखिए हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस टू प्लस वन, माइनस वन, वन प्लस टू थ्री, माइनस वन प्लस थ्री टू, माइनस टू प्लस टू ज़ीरो, ज़ीरो प्लस थ्री थ्री, वन प्लस वन टू, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, ज़ीरो माइनस वन, ठीक है, और माइनस वन प्लस ज़ीरो, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई है जी, हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो निकल आई है। ठीक है, अब उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड लेंगे, और हमारी जो राइट हैंड साइड हमें दी गई है वो हमारे पास है जी ए सॉरी सी प्लस ब्रैकेट स्टार्ट ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट्स वाले जो दो मैट्रिक्स हैं उनको ले लेंगे। तो हमारे पास ब्रैकेट वाले जो दो मैट्रिक्स हैं वो हमारे पास हैं ए माइनस बी। ठीक है, तो अब ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिखे, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है जी वन टू थ्री, टू थ्री वन, वन माइनस वन ज़ीरो। ठीक है, आगे माइनस है तो ऐसे माइनस ही लगा देते हैं। उसके बाद आगे देखिए जी, हमारे पास जो है वो बी मैट्रिक्स वो हमारे पास है जी वन माइनस वन वन, उसके बाद टू माइनस टू टू, और थ्री वन थ्री। ठीक है, तो ये हम इन दोनों को क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट हमने सेम उसी पैटर्न से ही करना है। अब देखें हमारे पास दोनों जो मैट्रिक्स हैं उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री जो हमको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ए मैट्रिक्स की पहली रो की पहली एंट्री वन, और बी मैट्रिक्स की पहली रो की पहली एंट्री भी वन। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी एंट्री जो है वो टू है, तो बी मैट्रिक्स में दूसरी एंट्री माइनस वन है, तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी। यहाँ पे देखें ए मैट्रिक्स में तीसरी रो की तीसरी सॉरी पहली रो की तीसरी एंट्री जो है वो थ्री है, और यहाँ पे बी मैट्रिक्स में तीसरी एंट्री जो है वो माइनस वन है। दूसरी रो की पहली एंट्री ए मैट्रिक्स में टू, और यहाँ पे बी मैट्रिक्स में दूसरी रो की पहली एंट्री जो है वो माइनस टू, और यहाँ पे देखें जो ए मैट्रिक्स है उसकी दूसरी रो की दूसरी एंट्री थ्री, और बी मैट्रिक्स में दूसरी रो की दूसरी एंट्री जो है वो माइनस टू है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगी तो प्लस हो जाएगा, और तीसरी एंट्री जो है वन है, और बी में भी तीसरी एंट्री माइनस टू है। अब ए मैट्रिक्स तीसरी रो की पहली एंट्री प्लस वन, और बी की जो है वो माइनस
थ्री, और ए की तीसरी रो की दूसरी एंट्री जो है वो माइनस वन है, तो बी मैट्रिक्स की तीसरी रो की दूसरी एंट्री भी माइनस वन है। ए मैट्रिक्स की तीसरी रो की तीसरी एंट्री जो है वो ज़ीरो है, और बी मैट्रिक्स की तीसरी रो की तीसरी एंट्री माइनस थ्री है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको हल कर लेंगे। देखें, प्लस वन माइनस वन ज़ीरो, टू प्लस वन थ्री, थ्री माइनस वन टू, टू माइनस टू ज़ीरो, थ्री प्लस टू फाइव, वन माइनस टू माइनस वन, वन माइनस थ्री माइनस टू, माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, और ज़ीरो माइनस थ्री माइनस थ्री। तो ये हमारे पास क्या निकल आया है, ए माइनस बी निकल आया है। ठीक है, अब इसी ए माइनस बी का जो आंसर है इसको हम सी में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो चले हम पेज की दूसरी साइड पर चलते हैं। तो पेज की जब दूसरी साइड पर जाएंगे तो हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, हमारे पास आता है, हमारे पास है जी सी प्लस ब्रैक स्टार्ट ए माइनस बी, और जो सी मैट्रिक्स है वो हमें दिया गया है। सी मैट्रिक्स जो है, चलिए हम पीछे से देख लेते हैं, सी मैट्रिक्स है जी हमारे पास माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो, उसके बाद आगे जी है ज़ीरो माइनस टू, हाँ जी, और उसके बाद थ्री, उसके वन वन टू, ये हमारे पास क्या है जी सी मैट्रिक्स है। उसके बाद प्लस की अलामत ऐसे प्लस लगा दें, और ए माइनस बी का जो आंसर हमारे पास निकला है वो हमारे पास है जी ज़ीरो थ्री टू, जो अभी हमने सॉल्व किया है, निकाला है ज़ीरो थ्री टू पहली रो, दूसरी रो जो है वो है ज़ीरो फाइव माइनस वन, और तीसरी रो जो है वो हमारे पास है माइनस टू माइनस टू माइनस थ्री। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो चले हम ऐड करते हैं। तो ऐड भी सेम उसी तरीके से करेंगे जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हम को एक दूसरे में ऐड कर देंगे मुतनाज़रा काम को। तो यहाँ पे देखें, सी मैट्रिक्स में पहली रो की पहली एंट्री माइनस वन, और ए माइनस बी मैट्रिक्स में पहली रो की पहली एंट्री ज़ीरो है, तो माइनस वन प्लस ज़ीरो, दूसरी एंट्री जो है वो ज़ीरो है, और यहाँ पर दूसरी एंट्री जो है वो प्लस थ्री है, और यहाँ पे पहली रो में तीसरी एंट्री ज़ीरो है, और इस मैट्रिक्स में भी पहली रो की तीसरी एंट्री प्लस टू है, यहाँ पे दूसरी रो की पहली एंट्री ज़ीरो, और इस मैट्रिक्स में भी दूसरी रो की पहली एंट्री ज़ीरो, और यहाँ पे दूसरी एंट्री जो है वो माइनस टू है, और यहाँ पे दूसरी एंट्री जो है वो प्लस फाइव है, और तीसरी एंट्री जो है वो थ्री है, और यहाँ पे तीसरी एंट्री माइनस वन है, तो प्लस माइनस माइनस। अब तीसरी रो की पहली एंट्री देखें जी वन है, और ए माइनस बी मैट्रिक्स में भी देखें तो पहली एंट्री जो है तीसरी रो की माइनस टू है, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे दूसरी एंट्री वन, और इधर भी दूसरी एंट्री जो है वो माइनस टू है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उसके बाद टू, और यहाँ पे तीसरी एंट्री देखें जी प्लस माइनस माइनस थ्री आ जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद आगे देखें जी हमारा आंसर क्या आता है, माइनस वन प्लस ज़ीरो माइनस वन, थ्री प्लस ज़ीरो हमारे पास क्या आएगा थ्री ही आएगा, ज़ीरो प्लस टू थ्री, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, माइनस टू प्लस फाइव थ्री, थ्री माइनस वन टू, वन माइनस टू माइनस वन, वन माइनस टू माइनस वन, टू माइनस थ्री हमारे पास क्या बचेगा माइनस वन निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सी प्लस ब्रैक स्टार्ट ए माइनस बी और ब्रैक क्लोज, और ये हमारे पास क्या है जी हमारी राइट हैंड साइड। अब देखें जो हमारी राइट हैंड साइड का आंसर है सेम वही आंसर जो है वो हमारा, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका भी सेम आंसर है। तो जब दोनों का सेम आंसर है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ साबित कर दी है। हम लिख देंगे हिंट्स प्रूव डैट, ठीक है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यानी कि मतलब हमारे पास जो है जी सी माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी, तो ये क्या है जी दुरुस्त है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट नंबर फाइव। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।